प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार, झारखंड और गोवा को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहाड़ से लेकर मैदान तक जोरदार बारिश अगले 24 घंटे में। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में भारी बारिश से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तबाह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से सुरक्षा बल के मुठभेड़ एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। सीआरपीएफ, डीजी समेत खुफिया विभाग के कई अधिकारी शामिल। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। दिल्ली लूट मामले में सभी चारों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रगति मैदान टनल में कारोबारी से लूटे थे लाखों रुपए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। 1.25 लाख के इनामी गैंगस्टर गुफरान को किया ढेर। मौके से कई हथियार बरामद। गैंगस्टर पर प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में दर्ज थे कई गंभीर आपराधिक मामले। अब न्यूयॉर्क के स्कूलों में भी होगी दिवाली की छुट्टी। न्यूयॉर्क के मेयर का बड़ा ऐलान। लोगों ने खुशी में मनाया जश्न। I'm proud that the State Assembly and State Senate have passed a bill making Diwali a New York City public school holiday. कुछ ही देर बाद मुंबई में जारी होगा वर्ल्ड कप का शेड्यूल। 15 अक्टूबर को खेला जा सकता है भारत पाकिस्तान के बीच मैच। 5 अक्टूबर को शुरू होगा वर्ल्ड कप। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज लीडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों में कैसे आसमान से आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में एक नदी में अचानक से ही बाढ़ आने से 7 लोगों की जान आफत में फंस गई। वहां अचानक आई बाढ़ में 7 लोग फंस गए और इसकी खबर मिलते ही पुलिस के साथ एनडीआरएफ की एक टीम वहां पहुंची। तेज धार में फंसे 7 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रस्सी के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश की गई। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी का रेस्क्यू सफलतापूर्वक कर लिया। बीते 3 दिनों से जम्मू में हुई भीषण बारिश से नदी में अचानक पानी बढ़ गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।